एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी पर कड़ा हमला बोला है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि प्रस्तावित कानून और कुछ नहीं बल्कि सभी समुदाय पर लागू होने वाला एक हिंदू कोड है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू और आदिवासियों को छूट दी जा रही है। बिल में उन्होंने ये भी दावा किया कि ये कोड मुसलमानों को एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है, जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उत्तराखंड यूसीसी बिल सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ भी नहीं। सबसे पहले हिंदू अभिवाजित परिवार को नहीं छुआ गया। क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया? क्या कोई कानून बनाया जा सकता है यदि ये आपके राज्य के अधिकांश हिस्से पर लागू नहीं होता तो एक समान? उन्होंने कहा, यूसीसी में द्विविवाह, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप नियमों के बारे में बात हो रही है, लेकिन कोई भी इस तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहा कि हिंदू अभिवाजित परिवार को बाहर क्यों रखा गया। ओवैसी ने कहा, अगर आदिवासियों को कोर्ट के बाहर रखा गया तो इसे एक समान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया? अगर एक समुदाय को छूट दी गई तो क्या ये एक समान हो सकता है? इसके बाद ओवैसी बोले, कोई नहीं पूछ रहा कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। सीएम के अनुसार उनके राज्य को बाढ़ के कारण 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और फसल के नुकसान का अनुमान 2 करोड़ से अधिक था। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसीलिए धामी को इसे पेश करने की जरूरत महसूस होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।